सो स्टूडेंट यार फाइनली जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा की तरफ से उनकी जो मेरिट लिस्ट है बच्चों की वो रिलीज कर दी गई है। अब बच्चों के अंदर क्वेश्चन ये है कि भैया हमारी मेरिट लिस्ट 500 है, हमारी 100 है, हमारी 150 है, हमारी 200 रैंक है, हमारी 800 रैंक है, तो क्या हमारा एडमिशन हो पाएगा इसमें। तो यार पहले अपन कुछ इंजीनियरिंग कोर्सेज की बात करते हैं कि किन किन कोर्सेज के अंदर कितने कितने बच्चे रजिस्टर्ड हुए हैं। इसके साथ ही हम जिन भी बच्चों को जितनी कट ऑफ बना के दी थी ऑलमोस्ट एक्सेप्टेड कट ऑफ वही रही है। जिन भी स्टूडेंट ने हमारा पेड प्लान लिया था, अगर आपने नहीं लिया है तो CUET फुल काउंसलिंग प्रोसेस ओनली फॉर 1499 रुपए में, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहां पे जाके चेकआउट कर सकते हो। यार बात करते हैं पहले अपन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में टोटल बच्चे कितने रजिस्टर हुए हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा के लिए। बीटेक की यार अगर अपन बात करें तो बीटेक के लिए बहुत ही कम ऐसे कॉलेजेज है जो कि अवेलेबल है। तो गाइस फाइनली यहाँ पे SC ST PWD OBC सारे जो टोटल बच्चे जो रजिस्टर्ड हुए हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए वो है 776। ओके 774 के अंदर लास्ट में जो SC कैटेगरी वाला है उसकी परसेंटाइल है 11। ओके तो EWS 44, टोटल 774 बच्चे रजिस्टर्ड हुए हैं। ओके उसके बाद यार अपन देखते हैं यहाँ पे इंटीग्रेटेड MSc है, बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग में कितने हुए हैं वो भी देख लेते हैं। तो सिविल में काफी कम है, शायद 500 के आसपास होनी चाहिए, 558 558 गुड। उसके बाद अपन देखते हैं CS ब्रांच के लिए, ठीक है। तो गाइस CS में इश्यू चल रहा है, CS का अभी रिलीज नहीं किया गया है। CS का PDF का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल रहा हूँ, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद यार बात करते हैं अपन बीटेक इन प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। तो यार ये जो है काफ़ी लो मार्क्स पे भी मिल जाता है। अब एक ये क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे क्या हुआ उनका छूट गया, उन्होंने रजिस्टर ही नहीं किया, ठीक है। तो वो बच्चे क्या कर सकते हैं यार, यहाँ पे स्पोर्ट एडमिशन भी होता है, यहाँ पे फिजिकल एडमिशन भी होता है, लाइव गूगल फॉर्म एडमिशन भी होता है। तो आप लोग इसके लिए हमारी जो है काउंसलिंग प्लान ले सकते हो, फुल एडमिशन मैं आपको शॉर्टी देता हूँ एडमिशन प्रोवाइड करने की। आप 1499 रुपये का प्लान ले सकते हो, अगर एडमिशन नहीं होता तो हम आपका रिफंड कर देंगे, ठीक है। फुल यूट्यूब पे लाइव बोल रहा हूँ, सुन सकते हो आप सभी लोग, ठीक है। फुल रिफंड अगर आपका एडमिशन नहीं होता है तो हमारी मेहनत बेकार आपकी काउंसलिंग करने की, ठीक है। तो यार जिन अगर आपका एडमिशन होता ही नहीं है तो 1500 रुपये बर्बाद करने का क्या ही फायदा, राइट। तो जरूर से जाके चेकआउट कर सकते हो। बीटेक प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के लिए 152 बच्चों ने रजिस्टर किया है सी हरियाणा में। फिजिक्स की अगर अपन बात करें यार, इंटीग्रेटेड फिजिक्स जो है MSc का लिए, उसके अंदर काफ़ी सारे बच्चों ने रजिस्टर किया है। अब भैया ये तो रैंक लिस्ट है, ठीक है, ये आपका कोई सिलेक्शन नहीं है। जैसे अगर मैं फर्स्ट रैंक की बात करूँ तो यार ये जो है जो भी स्टूडेंट है मैनी कॉन्ग्रेचुलेसन जिसको अभी फर्स्ट रैंक अचीव हुआ है। तो जस्ट इंटीग्रेटेड फिजिक्स के अंदर इसकी फर्स्ट रैंक आई है। ओके अगर अपन बात करें प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के लिए देविका, सिविल इंजीनियरिंग की अगर मैं बात करूं तो वंदना अग्रवाल, उसके बाद है सिविल इंजीनियरिंग की अगर अपन बात करें तो यार बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि हर फील्ड के अंदर है, ठीक है, हर फील्ड में है, तो वो नहीं चलेगा, ठीक है, मतलब चलेगा लेकिन जस्ट आप समझ सकते हो कि उसको सीट तो एक मिलेगा ना, ठीक है, चाहे वो बीटेक में ले ले, चाहे MSc में ले ले, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री कुछ भी ले लो, तो उसकी सीट तो वैकेंट रहेगी। तो यार MSc फिजिक्स की अगर मैं बात करूँ कि भैया कितनी सीटें यहाँ पे बच्चों ने अप्लाई किया, तो भाई टोटल यहाँ पे देख सकते हो 121 PDF है MSc फिजिक्स के लिए। और यहाँ पर जो टोटल एप्लीकेंट्स है वो है 848। अगर मैं यार बात करूँ CSC ब्रांच की, तो अभी तक दो लगभग रात रात 11 बजे तक सारे के सारे अपडेट हो जाएगी। CSC ब्रांच का अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है, लगातार अपडेट होती जा रही है, ब्रांचेस लगातार वेबसाइट पर बढ़ती जा रही है, ठीक है। जस्ट लाइक MSc मैथमेटिक्स में भी काफ़ी बच्चों ने अप्लाई किया है, MSc मैथमेटिक्स देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो एप्लीकेशन आने वाले हैं वो मैं बता सकता हूँ, CSC ब्रांच में आ सकते हैं। ओ माय गॉड, CSC में भी MSc मैथमेटिक्स जीते तो नहीं आएगा ही, MSc मैथमेटिक्स में कितने आए हैं, 1051।
और फिर जो आपका जो सीएससी का आने वाला है ना, वो 1800 को आंकड़ा पार कर सकता है। कंफर्म तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ जिस प्रकार से बच्चों की डिमांड है, 1800 का आंकड़ा तो पार करेगा ही करेगा, कंफर्म है। उसके बाद यार मैथमेटिक्स में भी काफ़ी बच्चों ने अप्लाई किया है, बीएससी होनर्स है, बीवोक रिटेल वगैरह है, इसमें भी काफ़ी बच्चों ने, यार जिन भी बच्चों के काफ़ी लो मार्क्स हैं ठीक है, वो ज़रूर से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने अप्लाई नहीं किया है देन हमारा सीयूटी गाइडेंस प्लान में इनरोल कर सकते हो। काफ़ी सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं और काफ़ी सारे स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज भी ऐसे अभी हमारे पास अवेलेबल है, जहाँ पे आप बीटेक सीएससी कर सकते हो। काफ़ी अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज हैं, मैं रीजन बता रहा हूँ, एडमिशन आपका इस मोमेंट में लो मार्क्स में भी टॉप गवर्नमेंट कॉलेज में 90% वाले बच्चे के साथ आप कैसे पढ़ सकते हो। देखो ठीक है, बाद में आप उसको जाके परेशान करना कि जेई में 90 लेकर आया, मैं 60 लेकर आया फिर भी तेरे साथ पढ़ रहा हूँ। देखो यार बहुत सारे कॉलेजों की काउंसिलिंग एनटीए कंडक्ट करवा रही थी, तो क्या हुआ कि जैसे एडमिशन ऑलमोस्ट क्लोज हो चुके हैं ठीक है, क्लासेस ऑलमोस्ट बहुत सारे कॉलेजों की लगने लग गई है, या फिर अगले वीक से या उससे अगले वीक से स्टार्ट हो जाएगी। कुछ बच्चे क्या होते हैं, कोई जोसा में चला जाता है, कोई जेक दिल्ली, कोई अदर स्टेट, कोई बाहर चले जाते हैं कनाडा एंड अदर, तो वो जो सीटें वेकेंट रह जाती है वो स्पोर्ट राउंड में या फिर डायरेक्टली फिलिंग होती है ठीक है। अभी भी कुछ ऐसे बहुत सारे हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज है जिनका जो प्लेसमेंट है वो 10 लाख से लेकर 30 लाख तक होता है, तो जो है आप उनमें एडमिशन ले सकते हैं। हमारा सिंपल काउंसलिंग चार्ज पे करके आप उनमें एडमिशन ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर नीचे दे रहा हूँ, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सीयूटी यूजी का व्हाट्सएप ग्रुप दिया गया, आप उसको जरूर से ज्वाइन कर सकते हो। आप उसमें जो है डिटेल्स जस्ट हम डालते रहते हैं रिगार्डिंग द एडमिशन प्रोसेस, या फिर ये जो सीयूटी वाला जो आप लाइन ज्वाइन कर रहे हैं उसमें भी हम आपका करा देते हैं। इसमें हम कन्फर्म आपको एडमिशन दे रहे हैं, आपका एडमिशन होगा ही होगा किसी भी हाल में, अगर नहीं होता है तो आपका रिफंड कर दिया जाएगा ठीक है। यूट्यूब पर लाइव बोल रहा हूँ मैं, आपको कॉल पर बात नहीं कर रहा ठीक है, तो जस्ट समझ सकते हो 1500 रुपये में एडमिशन। बीवोक रिटेल हो गया, सिविल इंजीनियरिंग हो गया, कंप्यूटर साइंस की लिस्ट अभी तक अपडेट नहीं की है। अब भैया हमारी लिस्टें तो आ गई इट्स ओके, लेकिन हमारा एडमिशन का क्या सारा सीन है। मेरी रैंक 800 आ रही है, मेरी रैंक 700 आ रही है, मेरी रैंक 400 आ रही है, मेरा एडमिशन होगा कि नहीं होगा, और अगर कितनी रैंक में मेरा एडमिशन हो जाएगा भैया, मेरी सीएससी मेरे को कितनी रैंक तक मिल जाएगी, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, क्या सारा सीन है। फर्स्ट कट ऑफ कितना रहेगा, सेकंड कट ऑफ कितना रहेगा, राइट। तो यार आपको पहले बिल्कुल घबराना नहीं है, जिन भी बच्चों के एटलीस्ट आप मान के चलो कि 450 तक रैंक है आपके अभी तक ठीक है, 450 के आसपास अगर आप हो, अगर आप स्पेशली जनरल EWS OBC कैटेगरी वगैरह में हैं देन आप ऐसे मान के चलो कि आप एटलीस्ट सेफ हो ठीक है। एंड जिन भी बच्चों के काफ़ी लो मार्क्स है वो मेरा CUT वाला प्लान ज्वाइन कर सकते हो। काफ़ी सारे ऑप्शंस आ जाते हैं आपके आफ्टर द थर्ड राउंड स्पोर्ट राउंड में डायरेक्ट एडमिशन वगैरह में, तो आपका कहीं ना कहीं एडमिशन करा देंगे, बिल्कुल आपको घबराना नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस फिल करके रखो यार, जिन बच्चों के काफ़ी अच्छे मार्क्स है उनको हर ब्रांच फिल करने की जरूरत नहीं है, या पर अपने पैसे खराब ना करें बिल्कुल भी। जिन बच्चों के काफ़ी लो मार्क्स है, स्पेशली आप अगर UP से हैं, राजस्थान से, हरियाणा से, दिल्ली से हैं, देन जस्ट लाइक आप थोड़ा घबराएं ना और अपने हिसाब से या फिर काउंसलर मेंटर की हेल्प के हिसाब से चॉइसेस फिल करें। हमारा हेल्पलाइन नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आपके लिए जो भी बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल होता है आप वो ले सकते हो ठीक है।